नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, देश राम में है। गांव गांव, शहर शहर, हर जगह भगवा ध्वजा फहराया जा रहा है, लेकिन बिहार में भगवान राम को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भगवान श्री राम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। तेज प्रताप ने लिखा, राम तो सबके मन में है, अंधभक्त राम को लाने से पहले अपने अंदर के रावण को बाहर निकाले, क्योंकि राम के लोग कभी भेदभाव नहीं करते। सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद करना चाहिए और गरीबी और भूख जैसे रावण को कैसे खत्म करें इस पर विचार करना चाहिए। राम को लाना है तो अपने बुरे विचारों को बाहर निकालिए और देश को प्रेम, सद्भाव और खुशहाली के रास्ते पर लेके चलिए। इसके बाद तेज प्रताप ने एक और ट्वीट किया, लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में है, हृदय में और कण कण में विराजमान है पूर्व से ही। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि 22 तारीख को श्री राम नहीं आएंगे। नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो खुद हमसे बोले कि 22 जनवरी को वे अयोध्या नहीं आएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी वाले लोग धर्म को खंडित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो मंदिर आगे आ जाता है, चुनाव खत्म होते ही मंदिर को पूछा नहीं जाता। हमको भी सपना में आए हैं राम जी, हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को, सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, इससे पहले लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी राम मंदिर पर सवाल उठाया था। तेजस्वी ने कहा था कि अगर बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, भूख लगेगी और मंदिर जाओगे तो क्या खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा दान मांग लेंगे आपसे। खैर, सियासी बयानबाजी के बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आपकी तेज प्रताप के ट्वीट्स और आरजेडी नेताओं के बयानों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।